स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटला में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता की। विपिन परमार ने कहा कि जनमंच के माध्यम से प्रदेश सरकार सीधे लोगों के बीच पहुंच रही है और लोग विभागों से सवाल पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनमंच के माध्यम से लोगों के घर द्वार पर एक ही छत के नीचे समस्याओं का समाधान कर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतें एवं समस्याएं जनमंच के माध्यम से सीधे सरकार तक पहुँच रही हैं और इनका मौके पर ही निपटारा भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम जन जन तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि लोग महीना भर जनमंच कार्यक्रम के लिए अपनी शिकायतों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं और उनके समाधान होने के प्रति लोगों का सरकार के प्रति अटूट विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को शिखर पर पहुंचाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति निरंतर जवाबदेही व कृत संकल्प रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के एक साल एक महीना पाँच दिन के कार्यकाल के दौरान अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, गृहिणी सुविधा योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष की आयु पार करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को बुढ़ापा पेंशन, मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय जैसी अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम आम जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस जनमंच में 142 शिकायतें सामने आई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य 66 शिकायतें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निपटाने के लिए अग्रेषित की गई हैं तथा 350 लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करके उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। 28 दिव्यांग व्यक्तियों के प्रमाण पत्र तथा 38 हिमाचली प्रमाण पत्र, नकल जमाबंदी आदि, 8 इंतकाल, 5 लर्निंग लाइसेंस, 17 नए राशन कार्ड व 70 आधार कार्ड, 144 गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत नए गैस कनेक्शन भी प्रदान किए गए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 स्वास्थ्य बीमा कार्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 5 बच्चियों को बधाई कार्ड और एक बूटा बेटी के नाम बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 5 बालिकाओं को 10 से 12 हजार रुपए की FDR प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों व स्टाफ द्वारा लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वस्त्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं, इसलिए जनमंच के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू कोई घातक बीमारी नहीं है, परंतु हमें इससे सचेत रहना आवश्यक है। नजला व जुकाम इसका अगला रूप होता है। यदि छाती व गले में दर्द, बुखार, नाक बहना, शरीर में थकान के लक्षण महसूस हों तो देसी नुस्खे न अपनाते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वहाँ स्वास्थ्य विभाग में मुख्य तौर पर कुछ जो बीमारियां हैं उसको भी जागरूक करने के लिए पैम्फलेट छपवाए हैं और हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, जहाँ जहाँ पर वो कार्यरत हैं वो प्रचार कर रहे हैं। जैसे आजकल अगर इस समय देखें हर दिन अखबार में स्वाइन फ्लू के बारे में खबरें छप रही है। तो इस जनमंच में हमने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमें गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करना है। स्वाइन फ्लू क्या है, कोई ये बहुत घातक बीमारी नहीं, पर हमें सचेत रहना है। ये नजला जुकाम का अगला रूप है। शुरू में अगर हमें कुछ लगता है कि हमें जुकाम हो गया, नाक बहना शुरू हो गया, गले में दर्द हो गई, छाती में कंजेशन हो रही है, शरीर में थकान है, हल्का हल्का बुखार है, तो हम नज़दीक दाएं बाएं ना करते हुए, देसी नुस्खे ना अपनाते हुए, नज़दीक के जहां पर हमारे डॉक्टर्स हैं वहां पर जाएं, डॉक्टर से सलाह लें और फिर डॉक्टर उनको सलाह देगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए इससे कोई भयभीत होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ये हर मौसम में और विशेष करके सर्दियों के मौसम में ये जो वायरस है ये आक्रमण करता है। वैसे तो इस हवा में भी ये वायरस है, परंतु ये किसको इफेक्ट करता है, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं या जिनकी शारीरिक क्षमता
जो एक प्रतिरोधक क्षमता शरीर में रहती है बीमारी को निपटने के लिए, जब वो समाप्त हो जाती है तो ये वायरस उसको अपने सिकंजे में ले लेता है। जैसे मधुमेह है, डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, उसको ये इफेक्ट करता है। बुजुर्ग है, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, उसको ये पकड़ता है। तो मेरी ये एक निवेदन है कि हम जब भी ऐसे कुछ लक्षण लगते हैं तो नजदीक के अस्पताल में जाकर के अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। और स्वास्थ्य विभाग ने एक डायरेक्टरी भी जारी की है, हमारे CMO, BMO, डॉक्टर, हमारे हेल्थ वर्कर बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं। इस मौके पर द्रंग क्षेत्र के विधायक जवाहरलाल ठाकुर ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला में 15 पंचायतों के लोगों के लिए दूसरे जनमंच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों को संसद निधि से 1,80,00,000 रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए तथा एक साल के अंदर 2,200 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया गया है।